विदिशा जिले के सरौन क्षेत्र में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत ग्राम छापू में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होकर बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या सुनी एवं मौके पर निराकरण का प्रयास किया गया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा सरपंच सचिव सहित पंचायत के जिम्मेदारों पर काम के एवज में पैसे लेने का भी आरोप लगाया गया, जिस पर विधायक ने नाराजगी व्यक्त की। सरौंज विधायक उमाकांत शर्मा ने बताया कि ऐसे कुछ आवेदन आए हैं जो कि अधिकारी तक पहुंचे भी नहीं, जिसके चलते अधिकारियों को जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। योजनाओं के तो ऐसे भी आवेदन आए हैं जो वास्तविक हैं और उन तक पहुंचना चाहिए थे, नहीं पहुंचे। इस संबंध में हमने SDM साहब को, CO साहब को निर्धारित किया है कि जांच करें और यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही और कमी है, दोष है, तो उस पर कार्रवाई भी करें। साथ में कई आवेदन प्रधानमंत्री आवास से संबंधित, अन्य योजनाओं से संबंधित आए, उनका अभी आवंटन नहीं हुआ है। और जैसे ही आवंटन आएगा, उनमें 18 में जो संशोधन हुए हैं वो जुड़ के उनको प्राप्त हो जाएंगे। इसे यहाँ पे गौशाला निर्माण है, किसी एक व्यक्ति ने शिकायत करी, उसे 3 महीने से वेतन नहीं मिला और ना खाने पीने की व्यवस्था है गौशाला में। इसके लिए कोई बजट आवंटित होता है, वो बजट नहीं मिला है। मैंने CO साहब को निर्देश दिए कि उस व्यक्ति को तत्काल कुछ सहायता राशि, चाहे व्यक्तिगत रूप से देना पड़े, दें और शीघ्र बजट आवंटित करके और उनको वेतन का, परिश्रम का भुगतान किया जाए।